हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी जीएफ के साथ, और बोल तो डब्ल्यूएफ जो ये बैठी। आज इसमें अपने इसे घर पे लेके जा रहा हूँ, आई मीन मेरे ससुराल, इसकी मम्मी से मिलवाने, और मेरी सासू के पास, सासू माँ के पास। काफी दिन हो गए थे, बहुत लंबे, कितने लंबे दिन? बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा दिन? स्माइल देख लो चेहरे पे, घर पे जाने के लिए, घर जाने के लिए स्माइल तो रहती है भाई। खुद पे घर जाने की खुशी है, हमारे साथ रह के खुशी नहीं है, बताओ क्या कर सकते। खुद के घर की बात अलग, हमारी अलग है, आपकी अलग है, हमारी बात क्या अलग है। और अब हमारा बेटा प्रकट होगा। अरे दिव्यांश कहाँ गए थे भाई? अरे आना, ये देखिए एक शैतान कहाँ छुपा रहता है पता नहीं, इसका आ गया। हेलो हेलो, हुलो फोन करेगा। कल की स्कूल की छुट्टी है ना? संडे, संडे को बच्चे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, मतलब सैटरडे को स्कूल से आने के बाद अगले दिन की छुट्टी है, पूरा एंजॉयमेंट करो, खेलो कूदो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, मेरी तरह ऐसे रहते हैं। ये होमवर्क तो करना नहीं रहता, पर ये बैग लेके आए, लिख के आया हूँ इसका बैग साथ, तो मुझे पता था होमवर्क इसको करना नहीं, एंड टाइम पर दम इसको होमवर्क काम आता है याद। और मैम आप बताओगे कुछ है? नहीं, नहीं? तो ये रास्ता जो हमारी मिस कोमल, और इसको मैं को जाते हैं, हाँ, और इसको मैं प्यार से बोलता हूँ बटरफ्लाई, है ना बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ये मेरी बटरफ्लाई का घर का रास्ता, और मेरे ससुराल का रास्ता। रास्ते में भैरव बाबा का मंदिर आएगा, हम वहाँ दर्शन करते हुए जाएंगे। भैरव बाबा दर्शन? Yes. दर्शन करोगे? कभी कभी मौके पे चौका लगता है। हाँ हाँ हाँ, कह रही है कभी कभी मौके पे चौका लगता है। टीका वीका लगवा के जाएंगी ये। भैरव बाबा के मंदिर की एंट्री करते हुए, तो आज इसका मन है, बटरफ्लाई का मन है भैरव बाबा का दर्शन करने का मन है। भैरव बाबा के दर्शन करोगे? यस। भैरव बाबा की एंट्री, मेन गेट एंट्री करते हुए, तो आ गए अंदर, आ गए तो दर्शन कर ही लेते हैं, फिर बाबा के दर्शन करके चलते हैं। लेगी प्रसाद ये जा रही मालकिन। हेलो मालकिन, प्रसाद कहाँ से लोगे? मालकिन प्रसाद ये लेगी। ओए और रुक जा, हो गई ना बंद, बेटा गाड़ी बंद करके आ चल। तो ये रेलिंग लगा रखी है बाबा की, इतनी धूप है गजब की, पैर जल गए, तो यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद, हरदम माँ से लेते हैं प्रसाद हम, पैर जल गई तो ले रही है प्रसाद, ले चुका, ले चुके। तो ये है एंट्री बाबा की, तो बाबा के दर्शन करके चल रही है, अभी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं
मैम हो गए दर्शन? हो गए बिल्कुल। अच्छे हो गए, भीड़ भी नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए। और आपको वीडियो हमारे चैनल पे थोड़े दिन बाद मिलेगा बाबा की डिटेल में। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी, अब चलते हैं। तो फिलहाल दर्शन करके और यहाँ से चल दिए बाबा के द्वारे से। कहाँ चल दिया जाना? मेरे घर की ओर, हमारी मैम के घर की ओर। तो आपको बाबा की यहाँ की जो पूरी प्रक्रिया है, बाबा के दर्शन करवाएंगे आपको डिटेल से। आज तो नहीं करवाए, तभी बाद में आएंगे तब वो करवाएंगे दर्शन। पर अब हमारी मैम खा रही है प्रसाद। ये मीठे की बहुत शौकीन है, इसको मीठा कितना भी खिला दो, आई लाइक स्वीट्स, कितना भी खिला दो, घर में कुछ ही मीठा आता है ना तो यही खत्म करती है, इसलिए तो मैं मीठी हूँ सबसे ज्यादा। हम तो चटपटे हैं फिर, है ना, बिल्कुल स्पाइसी हो, स्पाइसी ये मीठी, हम स्पाइसी हैं। तो भाई किसी को आई एम स्वीट देख लो भाई, आई एम स्वीट। देखो कैसे प्रसाद खाई जा रही है, देखो इसको, इसको देखो, कुछ और छोटे इसको देखो, बाबा के होके आई और दबा दब लग रही है प्रसाद के, किसी और को देना नहीं, प्रसाद तो खाने का ही होता है, खत्म नहीं करेगी तब तक छोड़ेगी नहीं, इसका ये रूल है ना। तो ये आ गई है भोजावास की मार्केट, ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं, ट्रक ही ट्रक। तो फिलहाल चल रहे हैं भोजावास की मार्केट से, और छोटे छोटे बच्चे थे, गाड़ी खड़ी कर दी, तो बच्चे गाड़ी के पास आके खड़े हो गए, देखने लग गए गाड़ी को। तो छोटे छोटे बच्चों को इतना चाव था गाड़ी का, थार का, कि यहाँ आके और मतलब टच करने लगे गाड़ी को। मैं बोला भाई कर लो कोई बात नहीं, भीड़ है, ट्रैफिक है, इतना तुम भी थार के दर्शन कर लो आराम से। अब बाइक वाला बेवकूफी, देख नहीं रहा पीछे गाड़ी आ भी रही है, कोई मतलब नहीं, पीछे गाड़ी आ रही तो आने दो, अपने आप बचाएगा। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जहां हमारी शादी हुई थी। क्या क्या कहूँ, तुम क्या आ गया, कोमल का घर आ गया, हमारा ससुराल आ गया, जहाँ हम कोमल के साथ सात फेरे लिए थे। तो पहले जाएंगे कोमल की दादी के घर पे, फिर जाएंगे उसकी मम्मी के पास, क्योंकि तो इसकी मम्मी रहती है खेतों के पास, खेतों में, और इसकी दादी रहती है गांव में। चलिए जी, ये रास्ता है, तो ये देखिए कोमल के घर का रास्ता कुएं के साइड का। तो फिलहाल अभी एक अपने भाई का फोन आया, रेवाड़ से कपिल का, तो उनसे बात हुई, उनको अपनी वीडियो देखनी अच्छी लगी, तो ऐसे सुन के हमें भी अच्छा लगता है कि भाई किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत दिल को सुकून मिलता है कि भाई कोई भाई हमारे साथ है, बस वही है अपनी यूट्यूब फैमिली अपने साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती,
बस फिर तो मन करता रहता है कि भाई वीडियो बनाते रहे बनाते रहे। आप लोगों के साथ रहे तो कुछ भी करने का मन कर जाता है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते हैं अपने चैनल को और अपने को प्यार देते रहे अपने चैनल को। बस आप लोगों से यही दुआएं, थैंक यू। आप ऐसे वीडियो देखते रहे। तो ये देखिए गाइस, सनसेट कितना प्यारा लग रहा है पेड़ों के बीच से। अब तो पेड़ आ गए, कितना प्यारा सनसेट लग रहा है। बादल आ गए, थोड़ा सा सूरज दिख रहा है, कितना प्यारा है सनसेट। मतलब सनसेट की जो लोकेशन है ना, जो व्यू है बहुत प्यारा रखा है अभी फिलहाल। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है गाइस। ये अपनी वाइफ है, जो वाइफ है ये जो कह रही है कि ये जो सामने खेत है, इस खेत में अगर थार घुसा दी तो इस खेत में निकल नहीं पाएगी। जाए कौन की थार बनी इसके लिए। तो ये सर रिस्क क्यों ले? अरे ये गाड़ी ही रिस्क है, रिस्क के लिए ही बनी है ये गाड़ी, बताओ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और प्यार दे, बहुत सारा प्यार दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।